तमिलनाडु में तिरुचापल्ली के पूरे तिरुचेंतुरी गांव में मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक जता रहा है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब तिरुचेंतुरी गांव के राजगोपाल ने बेटी की शादी के लिए 1 एकड़ के करीब जमीन बेचने के लिए सब रजिस्ट्रार से संपर्क किया। सब रजिस्ट्रार ने जमीन बेचने के लिए राजगोपाल को वक्फ बोर्ड से NOC लाने को कहा। वक्फ बोर्ड का दावा है कि रानी मगमल्ल सहित कुछ राजाओं ने वक्फ बोर्ड को तिरुचेंतुरी समेत कई गांवों को तोहफे में दिया था, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि तिरुचेंतुरी एक हिंदू बहुल इलाका है और यहां पर चंद्रशेखर स्वामी का 1500 साल पुराना मंदिर भी है। वक्फ के दावे का विरोध शुरू भी हो गया है। भाजपा ने इस मामले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है।